घर पर डाल दिया आपकी कुछ खास खबर की ओर। पायलट मांगो पर अड़े, बोले मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाईकमान से मीटिंग के बाद पहली बार बयान, कहा तीन मुद्दों पर कार्यवाही करनी होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर सुले बैठक के दो दिन बाद अब सचिन पायलट ने साफ कर दिया है कि 15 मई को रखी गई तीन मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने सरकार को फिर अल्टीमेटम याद दिलाया है। बुधवार को टोंक के ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे के दौरान पायलट ने कहा कि युवाओं से सार्वजनिक मंच पर किए गए कमिटमेंट हवाई बातें नहीं है, तीनों मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। पायलट ने कहा कि तीन दिन पहले मैंने इन बातों को दिल्ली में रखा था। सब इस बातों को जानते हैं कि मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने जो मुद्दे उठाए थे, खासकर करप्शन के, उस पर कार्यवाही हो। भाजपा के शासन में लूट मची थी, उसके खिलाफ कार्यवाही करनी पड़ेगी। नौजवानों को इंसाफ दिलाने की बात थी, उस पर समझौता करना संभव नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने 15 मई को जो कहा था कि सरकार इस पर जल्द कार्यवाही करे, यह सब जानते हैं। मैं इंतजार कर रहा हूँ, परसों बात की थी। इन मुद्दों पर कार्यवाही करने का दायित्व राज्य सरकार का है।